सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो जो कि है मोटल सिमुलेटर की। हाँ, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पे घर वगैरह बनाए थे, मतलब घर तो नहीं बनाए थे, रूम बना दिए थे, जो कि एक रूम बनाया था और पिछले रूम तो भाई तैयार थे। अभी फिलहाल के मैंने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है इसमें यहाँ पे रखता हूँ फिलहाल। ओके, अभी भाई यहाँ पे कस्टमर्स वगैरह आ गए हैं तो इनको भाई फटाफट से, अभी रुक जा भाई, इनको फटाफट से भाई यहाँ से फरार करते हैं, मतलब भेजते हैं भाई। एक लेज खरीदा हुआ है इसने, क्या क्या लिया हुआ भाई? ओके, तूने क्या लिया है भाई? आ जा। अच्छा, इसने पॉपकॉर्न लिया है। और अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, हम लोगों ने शॉप भी काफी ज्यादा बड़ी करके रख दी है, मतलब काफी ज्यादा बड़ी कर दिया है। और अभी जिसको पता नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे वर्कर रखे थे बट वो भाई छोड़ के चले गए हैं, मतलब छोड़ के नहीं गए हैं क्योंकि हम लोग उनको पैसे नहीं दे पाए, क्योंकि अभी भाई उनकी जो है वो सैलरी थोड़ी बढ़ गई है, मतलब $300-$300 उन्हें हमें जो है वो 2-3 दिन के देने पड़ते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी हमारे पास जो है वो पूरी मिला के भाई $200 भी नहीं है भाई, $282 है बस। उसके अलावा हम उनके भाई पैसे कैसे चुकाएंगे? यहाँ पे दुकान मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दिया है, फ्रिज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने काफी ज्यादा सामान ऐड कर दिया है, यहाँ पे भाई बहुत कुछ ऐड कर दिया हुआ है। तो हाँ, इधर भाई पूरा का पूरा यहाँ पे कबाड़ पचा पड़ा हुआ है। शिट भाई, ये कौन सी कार आ गई यार, इसमें तेल भी मेरे को डालना पड़ेगा मेरे को लगता है, क्योंकि सारे के सारे भाई कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए नहीं बचा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है ना तो भी भाई अलग यहाँ पे सीन हो जाता है। वेट भाई जा करके मैं, वेट यार, इलेक्ट्रिसिटी जा करके लगाते हैं, मतलब जनरेटर को लगाते हैं, यहाँ से भी $29 हम लोगों को मिल गया। वेट, वेट, लाइट वगैरह ऑन करके जाते हैं पहले जनरेटर के पास में, भाई कहाँ पे है? और भाई अपने पास फ्यूल भी नहीं बचा है। शिट, ओके, इसमें भी फ्यूल नहीं है, पहले हमें वहाँ से भर करके इसके अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑन हो जा भाई, क्या हो रहा है? हो जा भाई, ऑन हो गई है फाइनली। हम लोगों ने इसमें तेल भी डाल दिया है और अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ आ गई है, मतलब फ्यूल नहीं बचा है भाई अपने पास में, ज़रा भी फ्यूल नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है जो कि हम इस गाड़ी में डालने वाले हैं। अब इससे थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, पता नहीं कब जैसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जा करके हमें चेकआउट भी करवाना है अभी, भाई ख़त्म होने वाला है। ओके, थोड़ा सा बचा है मेरे को लगता है, अब तो भाई गया यार। और राइट, यहाँ पे इसको रख देते हैं। शिट, यहाँ पे नहीं नहीं यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है। अभी यहाँ पे भाई एक तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ रहा है मेरे को खुद को ही, क्योंकि यहाँ पे भाई बंदे अपने सारे के सारे चले गए, मतलब दो लड़कियाँ रखी थी उनको हम लोग पैसे नहीं दे पाए तो भाई वो मतलब यहाँ से चले गई हैं छोड़ करके। तो $342 हमारे पास हो गया है, जैसे ही $600 कम्प्लीट हो जाएंगे उनकी सैलरी हम ऑटोमेटिक पे कर देंगे भाई, मतलब हाँ कोई चक्कर नहीं है, उनकी सैलरी हम लोग पे कर देंगे। और इनको क्या क्या चाहिए यार, ऐसा करते हैं इसको ओपन करके इसको भाई इसके अंदर डाल देते हैं, करते हैं तो $2 का ये बिक चुका है। मैंने गलती से जो है वो कोक वाली भाई बोतल भेज दी थी, मतलब ये सारी की सारी जो कि भाई पूरा का पूरा डब्बा ही बिक गया था, उसके अंदर कोक्स भी थी जो कि भाई सिर्फ $2 की बिकी थी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, सिर्फ दो की नहीं बिकनी थी, वो ज़्यादा महंगी होनी थी। बट हाँ, रेंट पे नहीं चढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंबल वगैरह भी नहीं है शायद से। ओके, ऐसा करते हैं इसको उठा के जाते हैं, इसको भाई दूसरे रूम में रखते हैं और अपना सेकंड वाला रूम जो है वो रेंट पे चढ़ा देते हैं। मैंने शायद से यहाँ पे धोने के लिए कुछ सामान रखा हुआ था। ऑल राइट, वेट, इसको भाई दूसरे रूम में रखते हैं यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं और दूसरी साइड से ऐसा करते हैं एक और कंबल लेके आते हैं जो कि दूसरे बेड में हम लोगों ने लगाया था, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ओके, ये रूम तो मेरे को लगता है फाइनली रेडी हो चुका है। अब इसमें भाई अच्छा टॉवल और टिश्यू रखना है। ओके, एक टिश्यू रख देते हैं, एक भाई टॉवल रखना है यहाँ पे, बढ़िया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद भाई एक टॉवल है, इसको उठा करके निकलते हैं और इस रूम को जो है वो रेंट पे लगा देते हैं, बढ़िया। यहाँ पे क्या भाई गंद गंद मचा के चले गए हैं भाई, एक तो वो मतलब अलग ही यहाँ पे भाई हर कहीं पे आम वगैरह फेंके हुए हैं, चल तेरी बाहर आ जा। ओके, अपना फर्स्ट रूम जो है वो रेंट के रेडी हो चुका है। यहाँ पे जैसे हम टीवी वगैरह लगाएंगे ना तो और ज्यादा ही महंगा बिक सकता है, बट हाँ फिलहाल के लिए इन सारे के सारे सामान को जो है इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद भाई इसको ऑन कर देते हैं, बढ़िया। ओके, जाए इसके अंदर में। ऑल राइट, इसको ऑन करते हैं यहाँ पे भाई, अभी ये साफ करना पड़ेगा। शेट, ओके, पे चढ़ा देते हैं, मतलब रेंट, हाँ दूसरा वाला रेंट के लिए रेडी है और थर्ड वाला तो भाई रेंटेड है। हाँ, कैसे करते हैं मोटल को भी ऑन करते हैं और उसके बाद में भाई इनके पैसे भी अभी हटाने हम लोगों को, शायद से कस्टमर आ चुका है अपना यहाँ पे। ओके भाई, फ्यूल ही नहीं बचा है अपने पास में, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं फ्यूल भी मंगवा रखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे फ्यूल। ऑलराइट भाई, थोड़ा सस्ता ही मंगवाता हूँ क्योंकि $159 बचे हैं अपने पास में, बहुत ज़्यादा कम डॉलर्स बचे हैं। शिट, शायद से ये वाला बंदा जो है वो एक रूम में रुका हुआ है अपने, इस वाले रूम में रुका है जो कि लास्ट वाला है,
हम अपना फर्स्ट रूम भी रेंट पे चढ़ा सकते हैं वैसे तो, अभी 57-56 सेकेंड लगेंगे इसको ढूंढने के लिए, उसके बाद मैं भाई इस रूम को भी रेंट पे चढ़ा देता हूँ, तो मतलब सीधा साधा मेरे को 700-800 का बेनिफिट तो हो ही जाएगा। भरने का काम करते हैं, मतलब तेल वगैरह डाल देंगे ना इन गाड़ियों में तो भी बढ़िया एकदम से सिस्टम हो जाएगा सारा का सारा। लाजा थोड़ा सा भाई यहाँ से भी पैसा हमको ठीक ठाक बन जाएगा, मतलब जैसे गाड़ियों में तेल वगैरह जाता रहेगा ना, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से भी बन जाएगा अपना। ओके इस गाड़ी में तो अपना भाई शॉप में भी आ गया है। ओके इसको भाई यहाँ से पहले तो अच्छा, दो दो कस्टमर आ गया क्या, पूरा का पूरा गंद मचा दिया भाई इन्होंने यहाँ पे। आ जा भाई आ जा। अच्छा दो लेज ले लिए क्या, चल भाई $5 का यहाँ पे बेनिफिट हो गया, दो भाई इसने यहाँ पे ले लिया है। चलो ओके शॉप की रेटिंग भी ठीक है, बट भाई गंद वगैरह ठीक ठाक मचा हुआ है शॉप में, तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा करते हैं अपने डस्टबिन को ओपन करते हैं, इसके अंदर सारा का सारा सामान डाल के इधर से भाई ये साफ करना पड़ेगा पहले तो। ऑल राइट इसको साफ करते हैं, इधर से निकलते हैं और अपनी शॉप में देखते हैं कोई बंदा आया है क्या अभी भी। अभी भाई कोई मोटल में नहीं आ रहा रूम लेने के लिए, वेट दोबारा से ऑन करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से भाई बंद करके ऑन करते हैं, क्या पता कोई तो आ जाए। इसके बाद एड्स वगैरह हम लोग लगाएंगे, जैसे हमारे पास पैसा आएगा ना हम लोग एड्स वगैरह लगाएंगे, उससे हमारे मोटल में काफी ज्यादा बंदे आ जाएंगे। पहले तो स्टाफ कहाँ पे गया सारा का सारा अपना। ओके ये सारा का सारा स्टाफ है यहाँ पे भाई, हम लोगों को पहले इसकी सैलरी हटानी पड़ेगी, इसको तो ऑटो पे भाई नहीं करने वाले हम लोग तो। हाँ अभी या तो भाई ये रेस्टिंग में है और ये भी रेस्टिंग में है, तो इसको दोबारा से बुला लेते हैं, इसको भेजते हैं भाई हम लोग कैश रजिस्टर के पास में। यू नीड टू पे एम्प्लॉय फर्स्ट। ओके इसको हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे पहले। हाँ यहाँ पे चार कस्टमर आ गए हैं क्या। ओके हाँ भाई बोल। अच्छा ओके ठीक है यहाँ पे भी ठीक था। ओके भाई $300 हमारे पास कंप्लीट होने वाले हैं, तो हाँ अब हो ही जाएंगे जल्दी से, तो तब तक जो है वो उसको भाई पैसे भेज करके जो है यहाँ पे भेजते हैं फटाफट से। आ जा भाई बोल। क्या चाहिए $300 गाइस, फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, $302 कंप्लीट हो चुके हैं वैसे तो, बट अपने मोटल में अभी तक कोई रहने के लिए नहीं आ रहा है। इसको पे कर देते हैं और इसको भाई भेज देते हैं पेट्रोल पंप में, ठीक है गैस स्टेशन में भेज देते हैं। और हाँ ठीक है जा भाई गैस स्टेशन में। $65 बन गए क्या एकदम से, अभी तो गई है भाई ये ना एक मिनट में जाने के भाई $65 बन चुके हैं। और फाइनली वो चले भी गई है, तेल वगैरह डाल दिया बढ़िया वहाँ पे। हाँ मतलब काम तो भाई ये ठीक कर दिया है, यहाँ पे भी हमारा ठीक ठाक बेनिफिट होने वाला है मुझे लगता है। मतलब सीधा भाई $13 का हो गया पहले तो, ठीक है जा भाई जा। मैं सोच रहा हूँ दूसरी को पेमेंट कर दूँगा। नहीं भाई इतना बजट ही नहीं है अभी, मैं सच बोलूँ तो ये TDC क्यों चल रही है, जॉम्बीज टाइप में चल रही है ना, उसमें ऐसे लग रहा है जॉम्बी चल रहा है भाई, बट जॉम्बी नहीं है पता नहीं क्या है, बट हाँ थोड़ी टेढ़ी तो चल रही है यार, लोग खुद देख के बोल सकते हो आप लोग की आंटी डी चल रही है। छिप मैंने एक ब्लैंकेट वहाँ पे रखा है, उसको जा करके धोने के लिए डाल देते हैं, फिर हमारा फर्स्ट रूम भी जो है वो रेंट के लिए रेडी हो जाएगा बढ़िया। फिर फर्स्ट रूम का भी कोई चक्कर नहीं है, वहाँ से भी ठीक ठाक पेमेंट आ जाएगी, तो फिर हम लोगों के पास ठीक ठाक डॉलर्स हो जाएंगे, तो हम शॉप का सामान और मंगवा सकते हैं ठीक है। ओके एक तो भाई मैंने बाहर क्या रखा हुआ है, ओके ये भी धुलने वाला है अब तो, इसके बाद ब्लैंकेट इसमें डालते हैं, एक ब्लैंकेट की ज़रूरत है बस, उसके बाद दूसरा तो हो गया है, एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ठीक है। ऑल राइट भाई दो टॉवल मैंने कहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे इनको भी यहाँ पे रख देते हैं बढ़िया। भाई मोटल में बंदी आ चुकी है, इसको रूम वगैरह चाहिए होगा, बट वेट चेक करते हैं, अगर रूम अवेलेबल होगा तो अभी दे देंगे, वरना फिलहाल के लिए तो भाई टाइम ही लगने वाला है मेरे को लगता है। भाई यहाँ पे आ जा। ओके फाइनली यहाँ पे भाई बढ़िया एक और टॉवल धुल गया, कितने सारे टॉवल्स हो गए भाई यहाँ पे, इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। ओके एक और भाई यहाँ पे, ये क्या है, शिट भाई ये तो ब्लैंकेट नहीं है। ओके हमारे पास भाई ब्लैंकेट ज़्यादा नहीं है, इसको यहाँ पे धोने के लिए डालना पड़ेगा पहले। शिट यार भाई इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्या एकदम से, भाई अब जा करके हमें वहाँ पे तेल भी डालना पड़ेगा। शिट यार गड़बड़ हो गया, एक तो भाई मेरे को थोड़ा सामान मंगवाना पड़ेगा, एक तो एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा मेरे को लगता है। फ्यूल भाई कम है वहाँ पे, रुक तो जाए एक मिनट के लिए तो रुक जा, शायद से मुझे लगता है फ्यूल ख़त्म हो गया कम क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी भी चले गई है। शिट पहले हम लोगों को एक फ्यूल की गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, एक तो भाई कैसी कैसी जीप लेके यहाँ पे आ रहे हैं, पहले एक हम लोगों को फ्यूल की गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग उसमें तेल वगैरह डाल सकते हैं। भाई लैपटॉप भी नहीं चल रहा है, शिट गड़बड़ हो गया, तेल भी ख़त्म हो गया, लैपटॉप भी नहीं चल रहा है, जनरेटर भी नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ पे तेल बचा नहीं है, और यहाँ पे भाई दुकान में लाइट भी चली गई है। शिट ये तो गड़बड़ हो गया, इसको भाई कौन सा रूम दे यार, इसके पास रूम ही नहीं है भाई, रुक जा
अच्छा इसको 1 आवर्स के लिए चाहिए। वेट 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 भाई, होल्ड होल्ड करियो 1 मिनट के लिए, चाबी को यहाँ पे रखते हैं। तू भाई ले ले इस रूम को जा। ऑल राइट भाई, $217 पे कर रही है, ठीक है जा। तब तक अपना दूसरा सामान भी धुल जाएगा भाई। सॉरी यार, रूम सारे के सारे चढ़ गए हैं यहाँ पे, अब कैंसिल भी नहीं कर सकते भाई। ये कहाँ चलिए बैठने के लिए भाई, क्या फेंका इसने भाई, पता नहीं क्या कूड़ा वगैरह है। तेरे को तो भाई रूम मिलने नहीं वाला, अगर होता भी ना तो इसको तो मैं देता ही नहीं भाई। मतलब पूरा पूरा गंद मचा के रखा है, इनको तो भाई कोई रूम नहीं देने वाले हम लोग। ओके ऐसा करते हैं फटाफट भाई, यहाँ पे चेक करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है यहाँ पे तो। शिट, आ जा भाई, क्या 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 लिया तुमने? लेज लिया है, ओके ठीक। तू आ जा, तूने क्या लिया है? अच्छा एक ही सामान लिया है भाई, सारों ने एक ही सेम कपड़े पहने हैं, जुड़वा पहने हैं क्या? नहीं, रात के टाइम आके डरा तो नहीं रही है मेरे को, सेम टू सेम कपड़े पहने हैं। जैसे पहले इसने भी सेम पहने हैं, इसने भी सेम पहने हैं, इससे आगे वाली थोड़ी सी चेंज है, इसने इसकी तरह नहीं पहने हैं। शॉप पे भी ठीक ठाक बंदे आ रहे हैं अपने, यहाँ पे भाई ये लड़की आ चुकी है, बट कोई फायदा नहीं है अभी तो भाई, जनरेटर लाइट ही नहीं है। मतलब पैसा तो अपने पास $605 हो चुके हैं, जिसका हम लोग अब ठीक ठाक तेल भी मंगवाने वाले हैं, क्योंकि तेल का काम ज्यादा चल रहा है, मतलब पेट्रोल का काम यहाँ पे। ओ शिट शिट शिट, मुझे याद कैसे नहीं रही थी भाई, हम लोगों ने जो है वो फोन बूथ्स भी खोले हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों को ठीक ठाक इनकम बन जा रही है भाई। मैं यहाँ पे देखो $51 यहाँ पे बन चुके हैं, और दूसरी वाली यहाँ पे भाई बात करने लगी है $70 भाई यहाँ पे बन चुके हैं। मतलब तो हमारे पास ठीक ठाक पैसा हो चुका है अब फिलहाल के लिए, बस थक गए थे भाई पूरी रात होके, बट लाइट जो है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो जनरेटर चल नहीं सकता है क्योंकि भाई तेल के लिए पैसे बचे नहीं है हमारे पास में, और अपना भाई ये वाला रूम भी रेंट के लिए लग चुका है। मतलब ये वाला जो कार में बंदा आया ना, ये भाई उस वाले रूम में रह रहा है, फर्स्ट वाले में एक रह रहा है और लास्ट वाले में भी एक और रह रहा है, तो तीनों रूम वैसे रेंट के लिए चढ़ गए हैं। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है यार, तीनों रूम आराम से चढ़ गए रेंट में। तो हाँ यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन कूड़े वगैरह को सारा फेंकते हैं, लाइट्स को ऑफ करते हैं। ओके इसको यहाँ से भाई वहाँ पे फेंकते हैं सीधा जा करके, भाई कहाँ को फेंक दिया मैंने सीधा ये, पर हाँ ठीक ठाक हो चुका है। मतलब हाँ रेंट पे भाई हम लोगों ने ठीक ठाक रूम चढ़ा दिए हैं, तो अपना ये वाला रूम भी रेंट पे चढ़ गया है, ये भी चढ़ गया और ये भी चढ़ गया, तीनों के तीनों। अब हम लोगों के पास एक और आइडिया है, या तो भाई हम लोग एक और रूम जो है वो रेंट पे ले सकते हैं, बट अभी एक दिक्कत है कि हम लोगों के पास थोड़े से पैसे पैसे की नहीं, लाइट की दिक्कत है, यहाँ पे लाइट नहीं है। शिट, अच्छा भाई लेज खरीदा है इसने, चल ठीक है। यहाँ से भी ठीक ठाक हम लोगों को डॉलर्स बन चुके हैं, यहाँ पे भी भाई देखते हैं $40 यहाँ पे हैं, $22 यहाँ पे हैं। मतलब अभी तक लाइट नहीं आई है क्या? यहाँ पे तेल बचा नहीं है अपने पास में यार, मेरे को लगता है मेरे को अपना भाई तेल का मतलब सिस्टम कोटा पूरा करना पड़ेगा यार। शिट, ऑल राइट फाइनली लाइट आ चुकी है। ये भाई बंद हुआ था, मतलब बंद हो पड़ा था, जनरेटर के थ्रू चला हुआ था भाई सारा का सारा सिस्टम। तो हाँ अब ऐसा करते हैं फटाफट से तेल मंगवा देते हैं, और ठीक ठाक तेल मंगवा देते हैं इस बार भाई, ठीक ठाक मतलब पैसे का तेल मंगवा देते हैं। ऐसा करते हैं मतलब तेल का काम ठीक चला है, तो उसमें भाई कंजूसी नहीं हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे जैसे गया भाई। ओके यहाँ पे भाई फ्यूल का ठीक ठाक मंगवा लेते हैं, मतलब ऐसा करते हैं $400 का मंगवाना है, तो ओके ठीक ठाक हम लोगों ने तेल मंगवा दिया है। अब हमारे पास भाई सीधा ही $400 बचे हैं, मतलब इसके लगभग कुछ डॉलर्स बचे हैं। रूम भाई रेंट के लिए बंद कर देते हैं, यहाँ पे बंदा बंदे आए जा रहे हैं, मोटर को बंद कर देते हैं। शॉप अपनी ओपन चली हुई है, बढ़िया गैस स्टेशन भी ऑन है। हाँ शॉप में बंदे आ रहे हैं, गैस स्टेशन ठीक चला हुआ है, अपना फोन वाला सिस्टम ठीक चला हुआ है, वहाँ पे भी बंदे ठीक ठाक बात करके आ रहे हैं, वहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जा रहा है। पहली बार भाई इतनी मतलब सभ्य लड़की देखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर भाई इतने अच्छे से तैयार होके आई है ना, सारी भाई कोई टोपी लगा के चली है, कोई कैसे चली गई है। ओके देखते हैं हम लोगों को क्या क्या मंगवाना है अब, ठीक है। यहाँ पे भाई चिप्स वगैरह इनको कैंसिल करते हैं, इनको मंगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ जो जो ये वाला सामान ठीक बिक रहा है, तो दो भाई ये मंगवा देते हैं, इसके अलावा ये वाली चीज़ मंगवा देते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है फिलहाल के लिए। पॉपकॉर्न ठीक ठाक बिक रहे हैं, पॉपकॉर्न्स मंगवा देते हैं, चॉकलेट्स तो मंगवाई नहीं है, चॉकलेट्स मंगवा देते हैं। इसके बाद भाई सॉफ्ट ड्रिंक में देखते हैं क्या क्या है, कोक है, ये सब है, ये सब भी मंगवा सकते हैं, बट हाँ ये वाली चीज़ ये वाला मंगवा देते हैं मैं सोच रहा हूँ। ओके दो ये मंगवा देते हैं। ओके नहीं नहीं भाई एक ही मंगवाना था ये, क्योंकि दो के लिए अपने पास पैसे नहीं है। ऑल राइट सारा का सारा सामान हम लोगों ने मंगवा दिया, स्मॉल वैन में आ जाएगा, और थोड़ा सा भाई फास्ट मंगवाते हैं। ऑल राइट फाइनली ऑर्डर हो चुका है, और जल्दी जो है अपना सामान भी सारा का सारा कम्प्लीट आने वाला है। ओके भाई अपने पास एक टेम्पो टाइप में था ना, एक हाथ में पकड़ने वाला था भाई, वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसको ले करके उठा करके। ओके मिल गया है,
इसको उठा करके लेके जाते हैं यहाँ पे भाई, कितने पैसे बन चुके हैं, $74 ओके आ करके देखते हैं, डिलीवरी एट वेयर हाउस ऑल राइट आ जा भाई, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ से खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या आ चुका है, अपने भाई पॉपकॉर्न के डब्बे भी आ चुके हैं, एंड इन सबको नीचे रखते हैं ओके। सो ऑल राइट गाइज, अपनी गाड़ी यहाँ पे बढ़िया एकदम से तैयार हो चुकी है, मतलब सारा सामान इसमें हमने डाल दिया है, और भाई इसको शॉप पे जा करके जो है वहां पे जा करके फिट करते हैं, यहाँ पे तो बढ़िया तेल वगैरह का काम लगा हुआ है, तो शायद से इसकी मेरे को पेमेंट भी करनी पड़ेगी अब, और अब करनी ना पड़ जाए मेरे को लगता है। पहले तो तू यहाँ पे आया और यहाँ पे देखते हैं इसने क्या लिया है, एक ही सामान लिया है इसके लिए इतने ज्यादा दूर दौड़ाया है। यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह आ चुके हैं, इनको यहाँ पे रखते हैं, बढ़िया ऐसा करते हैं इन सारे के सारे पॉपकॉर्न को भाई यहाँ पे लाइन पे लगा लेते हैं ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे सारा का सारा एकदम से फिट कर दिया है सामान, मतलब हाँ यहाँ पे भाई पहले इसको भेज देते हैं वेट ओके, जो भाई काम की चीज नहीं है उसको भेज देते हैं। यहाँ पे अपना बढ़िया सारा मतलब फिट हो चुका है, मतलब जो जो अभी फिलहाल के हम लोगों को लगता है कि बिकने वाला है तो वो चीजें हम लोगों ने फिट कर दिया है। जैसे भाई यहाँ पे सारा का सारा फिट कर दिया है, दूसरी साइड यहाँ पे चिप्स वगैरह फिट कर दिया है, और नीचे भाई ये सब कुछ फिट कर दिया है, यहाँ पे भी थोड़े से चिप्स फिट किए हुए हैं, और यहाँ पे भाई जो सामान थोड़ा सा बच गया है वो हमने यहाँ पे रखा है, जो कि हम लोग बाद में यहाँ पे रखेंगे। एक चॉकलेट का डब्बा और है, इसको भी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये अभी तो फिलहाल के लिए बिकने नहीं वाला है, तो जब भी बिकेगा तो भाई इसको यहाँ पे रख देंगे बढ़िया बेचने के लिए, तो फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ ओके, अभी फिलहाल के लिए हम लोग भाई यहाँ पे कुछ भी मंगवा सकते हैं, पहले भाई शॉप वाले बंदे को देख लेते हैं इसको क्या चाहिए। जैसे भाई शॉप में हम लोगों ने सामान नया मंगवाया ना, तो भाई ठीक ठाक भीड़ हो जा रही है, जैसे चॉकलेट्स लेने के लिए नए नए बंदे आ रहे हैं। भाई ये क्यों फंस गई यहाँ पे, भाई ये क्यों फंस गई है, चला जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा, थोड़ा हम लोग इसको दोबारा से यहाँ पे फिट कर देते हैं। एक तो ये गलत फंस गई है यहाँ पे ओके, एक ही सामान लिया था वहां पर, कहाँ जाके घुसी है भाई, मतलब एक सामान के लिए भाई कहाँ जाके घुस रही है। शॉप पे भी भाई ठीक ठाक बंदे आ रहे हैं ओके, एक बंदा वहां पे आ चुका है, और यहाँ पे भी मेरे को लगता है चेकआउट के लिए कोई बंदा तो नहीं आया अभी तक, नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों के पास $426 हो चुके हैं, तो हाँ अभी फिलहाल के लिए शॉप का काम भी ठीक चला है, पेट्रोल पंप का भी ठीक चला हुआ है, बट अभी फिलहाल के लिए कोई गाड़ी पेट्रोल पंप में नहीं आ रही है, तो हाँ अभी हम लोग कुछ भी मंगवा सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो पहले यहाँ पे देखते हैं भाई, इसने पक्का यही लिया होगा, मतलब सबसे ज्यादा बिक्री भाई हमारे पास इसी चीज की हो रही है या लेज की हो रही है, क्योंकि भाई ठंडे वगैरह लोग पी नहीं रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का ही टाइम चला है ना, बाहर देखो बारिश वगैरह लगी है, तो लोग ठंडे की बोतलें थोड़ी सी कम ले रहे हैं, उस वजह से हम लोग थोड़े से भाई यहाँ पे मतलब लॉस में जा रहे हैं। तो हाँ बाकी तो ठीक चला हुआ है, मतलब तेल का भी ठीक चला है, तेल को भाई ऐसा करते हैं दोबारा मंगवा लेते हैं, मतलब तेल जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा सही रहेगा। ऑल राइट, तेल तो हम लोगों ने फुल मंगवा लिया है, अब हमारे पास $233 बचे हैं, इनको भाई ऐसा करते हैं पहले देखते हैं मतलब हम लोगों को उसको कितने पैसे देने हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने लड़की रखी है स्टाफ में, भाई इसकी जो है 261 की सैलरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब सैलरी इसको देनी है हम लोगों को, $263 हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं पहले जा करके पैसे लेके आते हैं सारे के सारे जितने भी पैसे बन रहे हैं, उसके बाद इसको भाई पैसे हटाते हैं, मतलब इसकी फीस देते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो बढ़िया रहेगा। अभी भाई 255 हो चुके हैं, जैसे ये गाड़ी क्या पता भाई इधर से थोड़े बहुत पैसे मिल जाए हम लोगों को, थोड़े बहुत पैसे यहाँ से भी बन ही रहे हैं, थोड़े बहुत भाई यहाँ से भी बन रहे हैं, और इसके ऐसा करते हैं कि फीस लौटा देते हैं, मतलब इसके पैसे इसको वापस कर देते हैं शायद से। अभी एकदम से तो कितने ही बढ़ेंगे यार, मेरे को तो नहीं लगता एकदम से ज्यादा बढ़ने वाले हैं, पर हाँ तो भी भाई कोई पता नहीं होता है। भाई 267 हो चुके हैं, तो इसको पे कर दिया हम लोगों ने भाई इसके पैसे, मतलब किसी का क्यों ही खाना है, एक लड़की है उसके $300 बचे हैं पे करने के लिए, बट वो भाई यहाँ पे रह रही है फिलहाल, मतलब खा पी भी यहाँ पे रही है, उसको हम लोग कभी भी दे सकते हैं, उसके बाद उसको काम पे लगा सकते हैं। अभी देख लेते हैं पहले हम लोग और किस किस काम में इनको लगा सकते हैं, पहले एक बार चेकआउट मार लेते हैं। अभी तो भाई अपने रूम्स रेंट पे चढ़े हैं, जिनको भाई 12-9 मिनट है अभी वापिस आने के लिए, पर हाँ जो अपनी स्टाफ में लड़की है इसको देखते हैं यहाँ पे ओके। भाई और किसके लिए रख सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं, क्लीनिंग के लिए, हाउस कीपिंग के लिए इसको रख सकते हैं ओके, गैस स्टेशन में रख सकते हैं और वहां पे रख सकते हैं, ठीक है ठीक है यार, ज्यादा मतलब वो नहीं है पर हाँ ठीक ठाक है। ऑल राइट, तेल भी भाई अपना आ चुका है यहाँ पे, ऐसा करते हैं पहले तो इसमें इसमें नहीं भाई इसमें तेल भरते हैं सारा का सारा मतलब 1 लीटर, और जा करके पहले जनरेटर में डाल देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास वहाँ पे काम होना चाहिए, मतलब कभी लाइट भी चली जाएगी तो जनरेटर में मतलब ऑटोमेटिक भाई तेल रहना ही चाहिए, अगर जनरेटर में तेल नहीं होगा तो भाई हम लोग मतलब गलत सीन हो जाएगा फिर तो होगा ओके शायद से ओके। ऑल राइट, ये भी चेकआउट करने के लिए आई है, ये भाई वो है जो बड़ी गाड़ी थी जिसके पास में,
हाँ वही तो है। ओके इसने भी चेकआउट कर दिया, ये वाला रूम था शायद से इसका। ओके सेकंड वाला रूम था भाई, हमने इनको दिया हुआ ये वाला। इन्होंने भी थोड़ा बहुत गंद मचा के चले गए भाई यहाँ से। ओके भाई खून वगैरह कैसे पड़ा है पता नहीं भाई, क्या मतलब क्या हुआ है पता नहीं, यही जाने। बट हाँ ये चले गए हैं यहाँ पे भाई, इसका BFP है शायद से। ओके भाई कौन सी कार लेके आई है, बड़ी अलग सी कार है ना इसकी, मतलब मजा आ रहा है भाई, कार भी बड़ी अलग सी है, मतलब देखने का थोड़ा सा मजा आ रहा है। हाँ तो ओके यहाँ से भाई पहले इनको भेजते हैं यार, एक तो तीन तीन खड़ गए हैं भाई लाइन पे, और सामान भी ठीक ठाक ले रहे हैं, मतलब शॉप का काम भी ठीक ठाक चल पड़ा है यहाँ पे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और पेमेंट भी हम लोग भाई टाइम टू टाइम कर दे रहे हैं अपने वर्कर्स की। तो हाँ नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हाँ होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिक और भाई टेलीफोन्स वाले भी हम लोग नए अपार्टमेंट से बनाने वाले हैं। यहाँ पे भाई जितना प्रॉफिट अभी हो रहा है ना, एक और दो अगर हम लोग और शॉप्स खोल देंगे उससे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे यार शिट, ओके ये एमरजेंसी वाला बटन पता नहीं क्यों है, बट हाँ यहाँ पे जो है हम लोगों ने भाई जिसको पता नहीं है यहाँ पे रेंट के लिए छोड़ा है, मतलब हाँ यहाँ पे हम लोग जो है वो गाड़ियाँ वगैरह पार्क करवा सकते हैं, मतलब कितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे लग सकती है। तो एक भाई ये वाला सामान भी हम लोगों को यहाँ से साफ करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे भी मतलब हम लोग ठीक ठाक यहाँ पे जगह फिट कर सकते हैं पार्किंग के लिए। जैसे यहाँ से सारा का सारा सामान उठा करके भाई हम लोग दूसरी जगह फेंकेंगे, दूसरी जगह नहीं इसके अंदर फेंकेंगे, वैसे यहाँ पे भी बढ़िया एकदम से सारा का सारा काम होने वाला है। ओके ठीक ठाक शॉप चल पड़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखना कि अब आगे आगे क्या होता है। तो ऑल राइट।